हमीरपुर जिला के अंतर्गत आने वाले एनएच 103 के टिक्कर बाजार से मटन सिद्ध एनएच की हालत काफी खस्ता है। आपको बता दें कि पिछले 4 महीनों से स्थिति ज्यों की त्यों बनी हुई है। जगह जगह पर करीब 5 से 6 इंच गहरे गड्ढे बने हुए हैं, जिससे दोपहिया वाहनों और राहगीरों का चलना काफी मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि रोजाना कोई न कोई दुर्घटना इस सड़क पर देखने को मिलती है और ज्यादातर दोपहिया वाहन इस सड़क पर गड्ढों की वजह से दुर्घटनाग्रस्त हो रहे हैं। इस मौके पर जानकारी देते हुए डिडमिटिक्कर के स्थानीय लोगों ने बताया कि यह स्थिति पिछले 5 से 6 महीनों से बनी हुई है, जिसकी कई बार विभाग को शिकायत भी दी जा चुकी है। वहीं इस मौके पर NHAI के उच्च अधिकारी विक्रम सिंह ने बताया कि वे काफी बार NHPWD को इसका नोटिस जारी कर चुके हैं और हाल ही में रिमाइंडर नोटिस भी NHAI द्वारा NHPWD हमीरपुर को भेजा गया है, लेकिन अभी तक PWD NH की तरफ से कोई कार्यवाही अमल में नहीं लाई गई है। आलम यह है कि अब यहां राहगीरों का चलना भी मुश्किल हो गया है। वहीं इस मौके पर जानकारी देते हुए PWD एक्शन हरिराम ने बताया कि मामला उनके ध्यान में है और इस NH के कार्य के लिए लेबर आ चुकी है, 1 या 2 दिन में कार्य शुरू हो जाएगा। अब देखना यह होगा कि NHPWD अपने दावे पर कितना खरा उतरता है। जी सर, क्या नाम है जी आपका? राजेंद्र कुमार। सर, ये जो रोड है कितने समय से ऐसे ही है सर? लगभग 5-6 महीने से है। तो प्रशासन को यहाँ तो एक्सीडेंट हुए, 3-4 एक्सीडेंट हुए, लाइट भी कल जो है बिल्कुल है उनके, तो एक्सीडेंट के 2-3 बार तो इतना ज़्यादा है कि हॉस्पिटल को जाना पड़े। अच्छा, आपका भी क्लिनिक है यहाँ पे, आपके पास मरीज आते हैं तो यहाँ जो धूल मिट्टी है कितनी परेशानी होती है? परेशानी तो बहुत ज़्यादा ही है, आवाज़ ही आवाज़ रहती, रात दिन रात सोया नहीं जाता यहाँ पे। अच्छा, तो क्या मांग करते हैं प्रशासन से? ये जितने जल्द से जल्द हो सके नालियों की सफाई हो और ये रोड ठीक किया जाए जल्द से जल्द। प्रधान जी, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कुलवीर सिंह है। सर, ये जो समस्या है कि लगभग कितने समय से ऐसे ही है? ये लगभग 5-6 महीने हो गए और ये रोड से बदतर होती जा रही है और खास करके नालियों की व्यवस्था ना होने की वजह से पानी रोड में आ रहा है और रोड की जो व्यवस्था है उससे पानी की वजह से चरमरा गई है। नालियों का सबसे पहले उचित होना बड़ा ज़रूरी है ताकि जो हज़ारों का लॉस हो लाखों में परिवर्तित हो रहा है। तो आपने इससे पहले शिकायत दी है NH एक्शन को? मैंने शिकायत भेजी थी, फोटो भेजा था और NH के साथ ही जो स्लाइड गिरा है रोजर है उसके पास गिरा है, सीनियर स्टैंडर्ड स्कूल के पास गिरा और एक पटार घर के नीचे गिरा है और मैंने इसके बारे में भी इसके एक्शन साहब से बात की लेकिन अभी तक वो उठाया नहीं गया है। कितना समय हो गया? मेरे का हफ्ता तो हो ही गया, हफ्ता तो हफ्ता कंप्लेंट की। तो आपके कहने का मतलब है कि जो NH हमीरपुर है वो लापरवाही बरत रहा है इसमें? NH भी पड़ते हमारी रिक्वेस्ट है कि वो जल्दी से जल्दी इमीडिएट एक्शन ले ताकि यानी इसको मद्देनजर रखते हुए ये एक्सीडेंट प्रोन एरिया ना बने। पहले भी छोटे माइनर व्हीकल यहाँ गिर चुके हैं और डेड बुके इकट्ठे हुए हैं और व्हीकल का गुजरना जो है बड़ा दुश्वार हो रहा है। सर, क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम जोगिंदर पाल है। जोगिंदर पाल जी, सीनियर मैनेजर हूँ पंजाब नेशनल बैंक से। ये जो सड़क की समस्या है पिछले 5-6 महीने से है और इसका मुख्य कारण है जो निकासी की नाली है वो बंद पड़ी है। प्रशासन ने इस तरफ कोई ध्यान नहीं दिया, समय रहते अगर ध्यान दिया होता तो ये जो आज NH खड का रूप धारण कर चुका है लगभग, ये ऐसा हालात नहीं होते। जो हमारी तो सभी प्रशासनिक अधिकारियों से यही विनती है कि समय रहते इसको ठीक कर दिया जाए ताकि कोई बड़ा हादसा ना हो, खासकर 2-व्हीलर और पैदल चलने वालों के लिए जानलेवा साबित हो सकता है। इससे पहले भी पिछले 4-5 महीनों में 5-6 एक्सीडेंट हो चुके हैं। ये कितना पैच होगा लगभग जो खराब है? ये लगभग जो टिक्कर बाजार के साथ लगता है 1 किलोमीटर के करीब है जी। बाकी रोड भी हमीरपुर तक? बाकी रोड लगभग टिक्कर से लेके मटन सिद्ध तक एक जैसी ही दशा है और इसका मुख्य कारण वही है, निकासी नहीं होगी। तो प्रशासन से क्या मांग करेंगे? प्रशासन से यही हम करते हैं कि समय रहते इसके संज्ञान लिया जाए और इसको जल्दी से जल्दी संभव समय में जो है इसका उचित देख रेख की जाए, नालियों की सफाई की जाए और रोड का जो पैच वर्क है वो भी करवाया जाए। अंकल जी, क्या नाम है जी आपका? अमर चंद। अंकल जी, ये सड़क की हालत कब से ऐसी है?
सड़क की हालत पहले से कुछ 4-5 महीने से खराब है ना जी, और अब बारिश की वजह से तो बहुत ही ज़्यादा खराब हो गई। तो प्रशासन कोई ध्यान नहीं देता है? प्रशासन अभी तक कोई ध्यान नहीं दी, इधर पर रुख ही नहीं हुआ है। दोनों तरफ से नालियाँ भी ब्लॉक हैं और दुकान के अंदर भी पानी भरा है। क्या मांग करते हैं सरकार? हम मांग करते हैं कि पहले तो इन नालियों का प्रबंध की व्यवस्था ठीक की जाए पानी निकासी की, बाकी सड़क की जो हालत है इसको भी सुधार किया जाए। धन्यवाद सर।